शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन होने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर गाइस। तो जो जो भी नए बंदे आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस आज हम लोग सीखने वाले कि मैं पूरे ओवरऑल मैं मतलब पूरे दिन में मैं कैसे गेम खेलता हूँ, क्या मैं इम्प्रूव करता हूँ, क्या मेरे को खेलना चाहिए क्या नहीं खेलना चाहिए, क्या ट्रेनिंग रूम में खेलना चाहिए क्या, मतलब भाई बंदे मार के जा रहे हैं भाई अपने को, हम लोग बंदे को मारेंगे आज भाई, और कैसे मारेंगे वो आपको बताऊंगा। तो अपने को क्या ट्रेनिंग करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा। तो भाई जो जो भी नए बंदे तो जल्दी जाके लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैं मतलब 3-4 घंटे तो मैं जब भी मैं गेम खेलता हूँ तो मैं 3-4 घंटे तो मैं ट्रेनिंग रूम खेलता हूँ, और क्या मैं उसमें ट्रेनिंग रूम में खेलता हूँ क्या मैं इम्प्रूव करता हूँ, क्या मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताऊँगा कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या डेली रूटीन आपको गेम खेलना चाहिए क्या नहीं खेलना चाहिए, तो मैं आपको बताऊँगा गाइस। तो ये है अपना आईडी, तो गाइस जल्दी देखो अपना आईडी। तो ये मैं अपना आईडी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे खेलते हैं ट्रेनिंग रूम। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, पूरे वीडियो में हम लोग ट्रेनिंग ही खेलेंगे, और क्या है मेरे कंट्रोल, क्या है मेरी सेंसिविटी। तो ये मेरे पास है iPhone 11, तो क्या इसके कंट्रोल है क्या इसकी सेंसिविटी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और अभी बजे कितने बजे भाई, अभी बजे 8:50, मतलब भाई 8:50 बजे। तो अभी चलो अभी खेलते हैं, 2-3 घंटे तो हम लोग खेलने वाले मतलब भाई मतलब वो ओनली वो ट्रेनिंग रूम में खेलेंगे, बाद में हम रात को खेलेंगे 12 बजे के बाद एरेंगल, तो वो भी आपको वीडियो आएगा। तो इस वीडियो को पहले देखिए तो मैं क्या क्या गेम खेलता हूँ, क्या इंप्रूव करता हूँ, क्या डेली रूटीन में मैं मतलब ट्राई करता हूँ कि ये गेम मेरा मतलब एम अच्छा हो जाए, मतलब जायरो मैं फुल जायरो खेलता हूँ गाइस। तो चलो गाइस फटाक से जल्दी जाके हम लोग ट्रेनिंग रूम स्टार्ट करते हैं, तो चलो लेट्स गो। तो चलो गाइस हम लोगों ने एयरफोन पहन लिया और यहाँ पे भाई फिंगर लगा लिया। तो गाइस ये है अपना आईडी, तो भाई चलो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या अपने को ट्रेनिंग रूम में खेलना है। और पहले तो मैं आपको अपना कंट्रोल दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई ये फेस कैम होगा और यहाँ पे हम लोग हेड कैम भी करने वाले हैं। तो भाई चलो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, चलो तो मैं सीधा ट्रेनिंग रूम में जाके मैं आपको बताऊँगा कि अपने को क्या ट्रेनिंग करना है भाई, क्या मेरे कंट्रोल। पहले तो मैं आपको मेरे कंट्रोल दिखा दूँगा और मेरी सेंसिविटी, वो दोनों के कोड मैं नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूँगा दोनों के कोड। तो भाई चलो शुरू करते हैं गेम। तो अपने को पहले तो लूट कर लेते हैं, तो भाई अभी तो मैं भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो बाद में मैं आपको बताऊँगा कि आपको मतलब खेलना है। तो मैं पहली वीडियो में थोड़ा बता दूँगा टेंशन मत। तो गाइस चलो मैं आपको अपना सेंसिविटी दिखा देता हूँ, चलो मैं अपना मैं पहले मैं अपना अपना कंट्रोल दिखा देता हूँ, मेरे कंट्रोल कैसे। तो आपको दिख रहा होगा कि ये मेरे कंट्रोल है, तो मैं अपना मतलब फोन में भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं फोन में दिखा देता हूं, ये मेरे कंट्रोल है गाइस। तो यहां पर पूरा कंट्रोल देख सकते हो मेरा, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल मैं ऐसा खेलता हूं भाई, मतलब मैं 4 फिंगर खेलता हूं लेते हैं, तो यहां मेरा पूरा कंट्रोल है। तो भाई थोड़ा भाई उल्टा पुलटा ना हो गया अपना, तो भाई मेरा पूरा कंट्रोल है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा मेरी सेंसिटिविटी क्या है भाई, तो भाई आईफोन की सेंसिटिविटी अलग होती है भाई। तो चलो फटाक से अपनी सेंसिटिविटी, यहाँ पे स्क्रीन सेंसिटिविटी है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो भाई थर्ड 1% देता है, देखो मेरा 120 है, मतलब मैं फूल ज्यादा खेल सकता हूँ, मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं देता। और मैं अपना ADS है ना, वो ADS से मैं चेक नहीं करता था, ADS का क्या मतलब, मैं अभी मैंने चेक नहीं किया ADS का, तो मैं आपको बताऊंगा मेरा फूल ज्यादा क्या भाई, मेरा फूल ज्यादा है भाई 3% नॉन स्कोप तो भाई 41% नॉन स्कोप तो भाई 40, तो देखते तो रेट होते हैं भाई 30 35 2 है मेरे, और 2x है 30, और भाई 3x और 4x दोनों 30 घटी है। तो भाई मतलब मेरा अच्छा रिकॉर्ड हो जाता है, मतलब मैं अच्छा भाई, देखो भाई एक बार अपनी सेंसिटिविटी आप लोग चेक कर दोगे ना गाइस, तो एक बार चेक करने के बाद मतलब भाई आपको डेली आपको प्रैक्टिस करना चाहिए भाई, डेली आपको ट्रेनिंग में जाकर गेम प्ले खेलना होगा, आपको भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी तब आपका गेम प्ले ओपी बन जाएगा भाई, वरना कुछ नहीं बनेगा भाई। तो चलो मैं अपने देखो यहाँ पे मेरा 6x है 81, तो भाई फुल 6x तो नहीं, मतलब मैं 3x तो भाई पक्का अच्छा चला रहता हूँ भाई, 6x तो भाई पार है अपनी भाई। चलो तो यहाँ पे देखो ADS जायरो सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे भी मैंने ऊपर जैसी मैंने सेंसिटिविटी रखी सेम वैसी मैंने अपने ADS जायरोस्कोप पे भी मैंने वैसी सेम सेंसिटिविटी रखी। तो ये मेरा पूरा जायरोस्कोप और कंट्रोल, तो मैं दोनों का कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज दूंगा गाइस। तो चलो अभी हम लोग खेलते हैं भाई, मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या आपको भाई मतलब कैसे आपको ग्राइंड चल रही है, पहले एक बार मैं 1-2 घंटे में खेल लेता हूँ, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे आपको गेम, क्या आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या आपको मतलब क्या आपको ट्राई करना चाहिए मतलब। चलो तो शुरू करते हैं, लेट्स गो।
तो गाइस लेट्स गो, हम लोग आ गए सीधे ट्रेनिंग रूम में गाइस। तो अपने को भाई पहला जो ड्रिल से जो ट्रिक से अपने को भाई गेम इंप्रूव करने का, जो अपने को गेम कैसे इंप्रूव करे, तो गाइस पहले तो आपको ऐसा करना होगा कि तो आपको पहले क्या सीखना होगा, तो आपको पहले सीखना होगा क्रोशिया प्लेसमेंट के बारे में। मैं बात करने वालों के क्रोशिया प्लेसमेंट होता क्या है और क्या काम आता है, क्या गेम इंप्रूव करता है, क्या गेम अपना ओपी करता है, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल गेम करता है गाइस। तो मैं आपको बताऊंगा तो क्या करना होगा, आपको जाना होगा यहाँ पे ट्रेनिंग में, जाना होगा कस्टम में, जाना होगा यहाँ पे 20% लगता है, यहाँ पे मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा रखना है, तो आपको 1% इसको सेव करके स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आता है भाई क्रोशियर प्लेसमेंट के बारे में बात करना है, तो भाई चलो तो यहाँ पे देखते, तो यहाँ पे देखो सामने देखो जो दिखता है ना भाई, ये होता है क्रोशियर प्लेसमेंट, मतलब भाई बंदा भाई जो भी सामने मतलब एनिमी आएगा तो स्टेबल तो खड़ा नहीं होगा कि भाई इससे खड़ा होगा भाई मैंने ऐसा मार दिया, तो वैसा तो नहीं होगा भाई। मतलब तो आपको करना क्या है, तो आपको जो इसके ऊपर भाई मतलब बिना एडीएस खोल के आपको ऐसा प्लेसमेंट करना है, देखो क्रोशियर को प्लेसमेंट ऐसा करना है, मतलब आप डेली आधा घंटा एक घंटा करोगे ना तो अपना भाई मतलब समझिए कि भाई यहाँ पे तुम खड़े हो, तो यहाँ पे अचानक से ऐसा बंदा आया तो अपना भाई मूवमेंट ऐसा ऐसा होना चाहिए अपना, देखो मतलब एक क्रोशियर है ना जो अपना मतलब एक क्रोशियर बोलते हैं आप, उसको हेड पे रखो, हेड पे सीखो वो कैसे करना है, हेड पे सीखो भाई। भाई मैं तो फुल जा रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा फ़ोन हिला के आपको बता सकता हूँ, देखो कि मैं ऐसा फ़ोन हिला के मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो भाई मैं इसको आधा घंटे करूँगा, तो इसके बाद क्या वो ट्रेनिंग होगी वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो चलो शुरू करते आधा घंटे, लेट्स गो। तो आपको भी ऐसे डेली आपको प्रैक्टिस करना होगा, आधा घंटा या एक घंटा करो, 10-15 भी आपको जो अच्छा लगे करो, तो मैं तो जैसा बोलूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें भाई, जो आपका जो क्रोशिया प्लेसमेंट है वो ज़्यादा भाई नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा ना भाई, तो बंदे के सीधे हेड पे गोली जाएगा, मतलब समझ गए। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना हो भाई, चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस को, क्या आपको सीखना है भाई, दो चीज़ करना है आपको, क्राउच होके भी करना है और भाई ऐसे भी करना है, क्राउच करो ऐसे करो, मतलब आप ऐसा करते जाओ, मतलब समझ गए कि भाई मतलब समझो कि बंदा सामने तो आपको ऐसा सा अच्छा बंदे को मार पाए के सीधा हेड पे, समझ गए। तो चलो शुरू करते हैं। मतलब आपको बताऊंगा, देखो भाई यहाँ पे जो होता है ना भाई, भाई क्लोज मतलब भाई क्लोज रेंज पे भी बहुत अच्छा है, पर अपने को भाई डीप है ना भाई, अपने को क्या करना है बता, मैं आपको बता दूँगा। देखो ये आप जो देख रहे हो ना कि भाई मैं ऐसा भाई ऐसा मैं कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, देखो आप है ना इसको फायर करोगे ना तो समझ लो बॉडी पे लगता है तो भाई वाइट आता है, तो आप सीधा हेड पे लगोगे ना तो रेड आएगा, देखो रेड आया। तो आपको ऐसा माइंड में सेट कर लेना कि अपने को भाई हेड को ही मारना है, अपने को हेड पे ही गोली लगने से, तो आपको ऐसा मतलब आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करना होगा। तो आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे आपका भाई नेक्स्ट लेवल गेम हो जाएगा भाई, मतलब भाई गेम तो आप पूछो ही मत आपको भाई। तो चलो वापस से ट्रेनिंग रूम में, यही खेलते भाई यही खेलते रहो, मतलब आधे घंटे एक घंटे खेलो तो आपका गेम प्ले इंप्रूव हो जाएगा भाई। तो चलो दूसरी ट्रिक सी बात बता देते हो भाई ड्रिल्स के बारे में, तो भाई अपने को और क्या करना है, अपने को करना है कि भाई क्रोशियर को भाई ट्रेस करना है, वो कैसे करना है भाई, वो एक बार सीख लोगे ना गाइस तो पक्का अपना गेम नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो चलो हम लोग सीखते हैं। तो देखो अपना जो क्रोशियर है ना वो भाई मतलब एम के ऊपर ऐसा जाना चाहिए, मतलब उसको ट्रेस करो, मतलब देखो ये भी आपको 15-20 आधे घंटे एक घंटे जितना हो सके उतना आपको एक ट्रेस करना है। एक बार अपना देखो भाई एक क्रोशियर है ना भाई, मतलब समझ लो कि ये मेरा क्रोशियर है, उसको है ना अपने को यहाँ पे हेड पे रख के भागना है, देखो ऐसे, मतलब एक बार आपको एक ट्रेनिंग रूम में जाके भाई खेल लो भाई क्रोशियर को भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल अपना गेम हो जाएगा भाई, आपको बस ट्रेस करना है इसको, मतलब आप मूवमेंट देते जाओ कुछ भी मूवमेंट दे दो,
बस मतलब इसका जो अपना एम है ना वो हेड पे होना चाहिए। देखो ये भी आप लोग आधे घंटे मतलब प्रैक्टिस करो तो अपना गेम प्ले अच्छा हो जाएगा। तो भाई इसका भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो अपने तो 12 बजे तो 2 घंटे भाई प्रैक्टिस इसको ऐसे करने 12 बजे तक। तो ये दोनों चीज़ की हम लोग प्रैक्टिस करते थे। चलो आज के लिए इतना ही गाइस। तो गाइस जो भी बंदे देख रहे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। तो चलो गाइस अगले ड्रिल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई अगला ड्रिल्स कौन सा आने वाला है, क्या इंप्रूव करना है, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो डाल दूंगा गाइस। तो जल्दी जाके गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन होने के लिए गाइस। तो फटाक से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो बाय बाय, मिलते हैं।